ये देखिए दोबारा से दूसरे कोने से आए हैं, ये पूरा तैयार है ड्रैगन फ्रूट। बाद कर कर रोज काटते हैं इसको। काटते तो हैं, साल में कितनी बार होती है इसकी साल पर कटाई? चलता रहता है। अभी रहेगा 20 साल रहेगा ये आराम। अच्छा 20 साल माली ही थे हैं। अभी तो करंट मारी क्रॉप आई है, बाद में जब सेठ जी आते हैं उस समय वो ये दाने भाई पूरी बासमती राइस बदब ला रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आपका फिर से एक बार स्वागत है, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। और भाई काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई है। पिछली वीडियो बनानी थी रेवाड़ी में, लेकिन वहाँ बंद था, मैंने शॉर्ट्स डाली थी, अपडेट दी थी। तो आज हम आए हैं भाई खेत में, भाई है एक संदीप फोगाट, तो उनके खेत में आए हैं फतेहबाद। और यहाँ चल रही है भाई धानों की लोडिंग। धान निकाल लिए हैं, मैं आ नहीं पाया था, लेकिन अब धानों की लोडिंग चल रही है, मंडी में लेके जाएंगे। तो खेत में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट हो रखा है, और आपको दिखाएंगे कैसे अभी धानों की लोडिंग कर रहे हैं। और सिंपली एक निकाल के और ट्राली में लोड कर रहे हैं ये सभी, और मंडी लेके जाएंगे। कल भी गए थे दो ट्रैक्टर, एक जा चुका, अभी आज एक और हो रहा है लोड। तो आपको दिखाते हैं चलिए धान की लोडिंग, और इसके बाद हम आगे भी जाएंगे मंडी में, अभी आपको दिखाते हैं चलिए। ये देखो भाई उधर चल रही है धानों की लोडिंग ट्राली में, और इधर भाई पूरा चारों तरफ धान ही धान है, सब जगह धान ही नजर आएंगे आपको। एक पूरा ये पूरी बना रखी है, और ये उधर बैठने का हमारे खेत में बना रखा है एक छोटा सा रूम। और ये भाई सभी धान की लोडिंग कर रहे हैं। भाई क्या करो? ओ मेरे भाई क्या कर रहे हो? धान भर रहे हो? कहाँ? मंडी में लेके जाओगे? तो घर? चलो इतना धान पब्लिक बहुत है ना। ये भाई भाई, और ये अपने सरदार जी, सत श्री अकाल सरदार जी, और ये हमारे संदीप भाई मोबाइल में भी जी देख लो उन्हें। और ये भाई भर रहे हैं भाई, देखो ये वो ऊपर चढ़ रहा भाई, ये लिया है कट्टा और घेर दिया भाई। और भाई ये ट्राला नहीं है, ट्राली नहीं है, ट्राला है। कितने 14 फुट है ये? 14 फुट ट्राला, वैसे नॉर्मल 11 फुट क्या होगा ना, थोड़ा ही रह गया ये ना, बस थोड़ा रह गया, 5-10 काम रह गया। चलो एक पहले गया, एक ट्रैक्टर गया पहले, दो गया, दो गए। चलो 3 फुट है, 2.5 फुट नहीं है, बस देने के लिए। हाँ जी 80 क्विंटल मार अपना तो हैगा, तो आप ही भाई। उधर भी धान की कटाई चल रही है, कोई कंबाइन से निकलवाता है, कोई खुद हाथ से भी करता है। उधर अगर आप देखोगे, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये चल रही है धान की कटाई। क्या कहो लगा दी भाई? यहाँ कणक बीज दी है, गेहूं धान की कटाई होने के बाद कणक की बिजाई हो चुकी है यहाँ पे, ये जो इनकी पहले होगी थी कटाई। और यहाँ थोड़ा सा धुंध टाइप का सा एनवायरनमेंट भी हो रखा है।
नाम क्या है भाई अपना? विक्की। विक्की कहाँ से? ये अली सदर से विक्की है, ये भाई का सीरी, सीरी संदीप भाई का सीरी, यही संभालता है यहाँ पे। इससे पहले रखा है, हिस्सा है भाई, वो सीरी कह दे यार, दूसरा होता है इससे पे भाई, इसकी जमीन में भी हिस्सा है क्या विक्की? ठीक है फिर तो फसल में हिस्सा है। अच्छा फसल में ही है, जमीन में मान लो, जमीन में मान लो भाई, इतना देख रेख करे तो मालिक ही है। अभी तो करंट मालिक तो आप आई है, बाद में जब सेठ जी आते हैं उस समय वो फिलहाल तो ये दान है भाई, पूरी बासमती राइस पूरा देसी, ना कोई पॉलिश ना कुछ, और ये घर भी लेके जाएंगे भाई। और एक आप काम ताजा लगाए तो नहीं है, आपका पहले भी गाड़ दिया, ये दब्बा दब लाग रहे हैं भाई भरने। तो गाइस अभी आपने देखा ये सभी लगे हुए हैं धान में, तो वहाँ जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपको दिखाएंगे, और फिर ये जाएगी मंडी, वहाँ पे भी चलेंगे सब अनाज मंडी में, और उधर चलते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अनार का पेड़ भी लगा हुआ है और जामुन का पेड़ भी है, अनार अभी छोटे छोटे हैं, थोड़े बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के, लेकिन वो इतने छोटे हैं फिर भी उनमें लाल दाने हैं, वो तोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको। लाल दानों का अनार बिल्कुल, मतलब हम सब्जी मंडी में लेने जाते हैं वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी वाइट दाने निकलते हैं कईयों में तो, लेकिन ये छोटे छोटे होने के बावजूद भी लाल दाने हैं इसके। उधर चलते हैं आपको दिखाते हैं। खेत में आने का एक अलग ही नज़ारा है भाई, इन फ्यूचर भगवान ने चाहा तो सिटी से ज़्यादा रेजिडेंस खेत में ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा खेत में लगा लो, गांव में लगा लो, यहाँ का जो जीवन है साधारण है और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखता है यहाँ का एनवायरनमेंट। तो ये देखिए यहाँ लगे हैं हमारे अनार, ये इतने छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये देखो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो गाइस ये छोटे छोटे अनार हैं, लेकिन इनमें दाने लाल हैं, अभी हमने तोड़ा था, अभी आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला तोड़ते हैं अनार, टूट गया भाई, वो पहले टूट गया छोटे वाला भाई, ये तोड़ लिया हमने अनार, और जो नीचे गिरा है ये और उठा लेते हैं, अभी इन दोनों को देखते हैं कैसे हैं ये, और यहाँ बैठ के हम करते हैं अनार को छीलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये हमने ले लिया अनार, छीलते हैं इसको और दिखाते हैं आपको इसका कैसे निकलते हैं दाने। जूस निकल गया भाई, मीठे नहीं है इतने, हल्के से मीठे हैं, हल्के से कड़वे, क्योंकि छोटे दाने हैं ना, लेकिन है लाल। ये देखो इतना छोटा सा अनार है, बिल्कुल छोटा सा, और लाल है अंदर से पूरा, वाइट भी है रेड भी है, पूरा तो नहीं कहेंगे। ये पिंक पिंक कलर के दाने निकले हैं भाई, ये देखो
है ये नेचुरल, नेचुरल मंडी में आते हैं वो भी नेचुरल ही होते हैं, बट ये थोड़ा सा उस उनमें दवाइयां भी छिड़की जाती है जो बाग में जो भाई इनकी खेती करते हैं, तो खरपतवार ना लग जाए दवाइयां वगैरह छिड़कते हैं। लेकिन ये नेचुरल वैसे शो के तौर पे लगा रखे हैं। एक इधर ये जामुन का पेड़ है हमारे ऊपर, दिखाता हूँ मैं आपको। ये पत्ते लगे हुए ना, ये जामुन के पेड़ के, हम जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हैं और ये अभी आराम से खाएंगे। और भाई जो मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ, अभी अकेला कर रहा हूँ, संदीप भाई है उधर हैं और अकेला कर रहा हूँ। थोड़ा सा गिम्बल परचेज किया था मैंने, स्मार्टफोन गिम्बल, उसी से ये शूट हो रहा है। और गिम्बल ऑटो फोकस ला के अपने आप ही ऐसे फेस डिटेक्ट कर रहा है मेरा, तो इसमें काफ़ी मेरे को सहूलियत सी हो गई। अभी अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो मेरे को दिक्कत नहीं होती। और इस गिम्बल का रिव्यू मैं बताऊंगा, आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, मंगवाए को तो काफ़ी दिन हो गए लेकिन टाइम ही नहीं लगा वीडियो शूट करने का। तो ये ज़रूर बताना आपको यहाँ ये धान का देख के, मतलब खेत में आए हम, कैसा अच्छा लगा। आप भी अपने सगे संबंधियों या कहीं भी रिश्तेदार या कोई दोस्त के खेत है एक बार जाके देखिए, काफ़ी मज़ा आता है खेत में। और काफ़ी ये जो चेयर है ये भी यहाँ काफ़ी पुरानी है लकड़ी की, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए भरी हुई जो प्लास्टिक निवार से भरते हैं वो पतली पतली तार वाली। और एक सुराही भी है यहाँ, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये भाई सुराही है जो गड़े से थोड़ी लंबी होती है और एक दूसरी तरह की सुराही होती है, ये थोड़ा सा दूसरे तरीके की है। इसका थोड़ा पूछेंगे कैसी है, अभी मुझे भी नहीं पता। तो गाइस अभी ट्रैक्टर फुल कंप्लीट होने वाला है और ये जाएगा, दो ट्रैक्टर बता रहा था विक्की भाई बता रहा था, दो जा चुके हैं संदीप भाई बता रहा था, और एक ये जाएगा। और अपनी गाड़ी में नेचुरल ये जो बासमती चावल है, धान बोलते हैं इसको, ये धान दो तीन कट्टे गाड़ी में भी लेके चलेंगे और वहाँ से इनका चावल निकलवा के घर पे यही खाएंगे। काफ़ी अच्छे टेस्टी होते हैं भाई, नेचुरल होते हैं बिल्कुल। तो देखते हैं ये भर जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको दिखाते हैं ट्रैक्टर कंप्लीट होने के बाद जब ये जाएगा, फिर इसके पीछे पीछे हम भी चलेंगे अनाज मंडी, तो देख के आते हैं चलिए वहाँ। तो गाइस ये भाई कोठा दिखाते हैं आपको अंदर से, जिनके पास पहले ये ज़मीन थी और संदीप भाई ने इनसे परचेज की थी, उनकी यहाँ फैमिली फ़ोटो लगी हुई है। ये कोठे के अंदर आ गए हम, पीछे के कैमरे से दिखाते हैं आपको। तो भाई गाइस ये देखिए, ये इनकी पुरानी है लेट ओम प्रकाश जी भाटिया 2019, जो इनकी धर्मपत्नी है ईशन देवी 2020, इन ये स्वर्ग सिधार गए थे। और ये काफ़ी पुरानी इनकी फैमिली है, इस कोठे में फोटो इनकी लगाई गई है, पुराने ये सन 1971 में स्वर्ग सिधार गए थे, सबसे बुजुर्ग मेरे को ये लगते हैं। इनकी घरवाली श्रीमती भगवानी देवी और चैनी देवी, और ये एक यहाँ इनकी पुरानी अटैची भी पड़ी है, ये देखिए इसमें वैसे ही सामान वगैरह कुछ रखे हुए हैं, वैसे तो उस टाइम यूज़ होती थी। तो ये था यहाँ का मतलब खेत के अंदर जो कोठा बोल देते हैं, जो एक छोटा सा कमरा बनाते हैं यहाँ रुकने के लिए, सामान वगैरह रखने के लिए खेत का। और उधर चलते हैं भाई, वहाँ होगी है ट्राली लोड, पूरी कर दी उन्होंने कंप्लीट वो सामने, और हो गया जाने का टाइम। अब चलते हैं भाई अनाज मंडी। ये कंप्लीट कर दिया इन्होंने, दो तीन कट्टे पड़े हैं वो गाड़ी में लोड कर लेते हैं। जो घर लेके जाएंगे
हो गया कंप्लीट कर दिया विक्की भाई, छोटी ट्राली होती उसमें तो नहीं आता है ना। भाई ये है बड़ा ट्राला, छोटी ट्राली में बता रहे सरदार जी, डेढ़ किले का धान आता है और इसमें एक अकेले इसमें 3.5 किले का धान आ जाता है इसमें। ये बड़ी बड़ी में ट्राली कहेंगे तो इसकी मेरे ख्याल से 2 ट्राली भर जाए उसमें ही बच जाएगा, इसमें एक में काम चल रहा है। ये बेल है तो छोटी सी पाई है तो ट्रैक्टर है ना, थोड़ा सा बैक है भाई साहब, ट्रैक्टर थोड़ा सा बैक हो जाओ, बाट दियो तो भाई। भाइयों ने कर दी पूरी ट्राला लोड कर दिया भाई, और अब चले अनाज मंडी है। कौन कौन जाओगे अनाज मंडी? ऊपर नाम तो कौन बताया यार अपने? शिवम भाई, शिवम जाओगा अगले, विक्की यहाँ रहोगा आगे देख रेख करेगा। है विक्की तू भी चलेगा? नहीं नहीं मैं चल, कुछ खा पी का आवांगे यार, खाया पिया शरीर ले इकट्ठे कर दूंगा साइड। हे भाई गाड़ी लोड सरदार जी, और ये अपने संदीप भाई गाड़ी उसने कर लेगा, इसमें भी कट्ठे डालने हैं अपने को धान के, कुछ चलेगा क्या करो। खैर टूट गया था गाड़ी का, ठीक है सरदार जी। मिलते हैं शिवम मंडी में। ये पूरी लोड होगी बेटर ट्राला, बार बार में ट्राली नाम याद आवे। छपर है उस पर बटन देखो, एसी वाले के ऊपर। हाँ खुल गई, हाँ छोटे भाई क्या नाम है आपका? चांद। चांद और अपना भाई? राजीव। इन सारे भाइयों ने मिलके ट्राला लोड किया भाई, और ये 2 कट्टे अपने बासमती राइस बन जाएंगे ये धान के, एक फिर मंडी में से ले आऊंगे भाई साहब 10 मिनट बाद। खाओ देसी बासमती, देसी बासमती घर का है। खड़े कर देने, तीसरा भी आ जाएगा, नहीं वैसे भी आ जाएगा छोड़ने। तीसरा के दो ही है, एक मंडी से भी लेना। तो भाई अभी हो गई है गाड़ी लोड, ट्राला भी लोड हो गया है और अपनी गाड़ी भी लोड हो गई है। बासमती के 2 कट्टे ले लिए, एक मंडी से लेंगे अनाज मंडी से, वहाँ पड़ा एक भरा हुआ जो कल गया था उसमें, और चलते हैं आगे अनाज मंडी। और यहाँ रास्ते में भाई बता रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की बेल वगैरह लगी हुई, किसी ने उसकी फसल रखी है मान लो, होता है वो है यहाँ पे उधर बेचते भी है वो ड्रैगन फ्रूट बाग में लगा रखे हैं, तो वहाँ देखते हैं ड्रैगन फ्रूट लेते हैं, रास्ते में दिखाते हैं आपको
लाइव ड्रैगन फ्रूट जो यहाँ फतेहाबाद में अपने हरियाणा में मान लो बोते हैं जो, तो चलिए चलते हैं वहाँ, मिलते हैं आपको। अच्छा सामने यार सेठ जी हिसार से आए हुए थे ले जाना, देख लेना कोई बंदा ही भेज दे, कोई बंदा ही भेज दे, एक किलो चाहिए यार, थे हिसार से आए थे सेठ लाने के लिए स्पेशल। अच्छा कितने गए थे? नहीं है, उपट हो गया, चलो चलो कोई नहीं। तो भाई ड्रैगन फ्रूट की तो होगी, आपने देख ली होगी, वो भाई विक्की भाई बात कर रहा था कैंसिलेशन, क्योंकि वहां बाग में कोई है नहीं, अभी सिटी में गए हुए हैं। तो अब चलते हैं अनाज मंडी और यहाँ के खेतों में से चलते हैं, कच्चे रास्ते दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाई रोड से थोड़ा सा इधर है अंदर की तरफ संदीप भाई का खेत, और ड्रैगन फ्रूट का आपको दिखाते हैं उस साइड है थोड़ा सा, वो जो सामने अगर आप देख पा रहे हैं तो कोठे में वो ट्राली सी खड़ी है जो वहां पे है, ड्रैगन फ्रूट की बेल और एक येरी, ये है ना भाई जब वो सामने लग रही है भाई ड्रैगन फ्रूट की बेल, लेकिन वहां कोई है नहीं, नहीं तो लेके चलते आपको वहां से ड्रैगन फ्रूट भी लेते। ये भाई छोटा सा झोपड़ा बना रखा है बढ़िया, ये जो संभालते हैं यहाँ खेत जिनके हैं उनको संभालते हैं, वो सामने बेल रही, जूम करके दिखाओ। ये आ गया भाई मेन रोड, रोड से थोड़ा सा अंदर है, ज्यादा अंदर नहीं है। ये है भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती, अंदर से दिखाता हूँ आपको, बाहर निकल के दिखाता हूँ, रुको और सीधे चलना है क्या अपन? लो मैं इतना उरे माथा मार लूं एक बार। तो भाई गाड़ी रोक के, ये है ड्रैगन फ्रूट की खेती, देखो भाई अगर किसी भाई ने ना देखी हो तो, और ये जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखो स्टैंड पे ऐसे इनकी बेल होती है, अभी हमें वो ग्रीन कलर का ड्रैगन फ्रूट दिख रहा है, पास से जाके दिखाता हूँ मैं आपको, वो रेड कलर के भी दिख रहे हैं, कुछ पके हुए हैं कुछ कच्चे हैं, काफी अच्छा लग रहा है यार, लेकिन यहाँ कोई है नहीं तो हम एंट्री नहीं ले सकते, अच्छा भी लगता है ऐसे। और ये देखो ये आपको ड्रैगन फ्रूट नजर भी आ रहा होगा, ये देखो ग्रीन कलर का, और उधर से अगर रेड देखना है तो थोड़ा सा उधर जाते हैं हम, ये इधर रेड भी हैं जो तैयार हो चुके हैं। और गाइस ये भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, जिस जिस भाई ने पहले देख रखी है ठीक है, जिसने नहीं देखी थी फर्स्ट टाइम देखी है वो कमेंट करके जरूर बताना। और भाई काफ़ी शानदार वीडियो होगी है ये, वहाँ से हम धान वगैरह लोड करवा के आए हैं, अभी मंडी में जाना था, अंदर से दिखाता हूँ शायद कोई बोल ना दे, बस ये है एक रेड कलर का आपको दिखाता हूँ जो पका हुआ है, ये रहा भाई ड्रैगन फ्रूट, काफी फर्स्ट टाइम मैंने बाग देखा है ये ड्रैगन फ्रूट का। भाई ये ड्रैगन फ्रूट आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा पका हुआ है, ज्यादा नहीं पका हुआ, उस साइड जाएंगे तो और भी ज्यादा पके हुए लगे हुए हैं। तो कैसा लगा आपको ये बाग, बाग कह सकते हैं खेत के अंदर, ये देखिए कैसे लाइन टू लाइन लाइन वाइज लगा रखे हैं, और इनकी सिंचाई के लिए भी जैसे इन्होंने ये पाइप लगा रखी है इधर,
बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। ये पाइप इनकी सिंचाई के लिए है, ये देखिए इनको फुहारे चलते हैं इनमें और पानी इनको मिल जाता है। तो ये पाइप वगैरह बिछा रखी है यहाँ हर जगह, काफ़ी अच्छा लगा देख के। ड्रैगन फ्रूट और ये इधर भाई धान बहुत है यहाँ पे, बहुत धान है। अभी चलते हैं अनाज मंडी, अनाज मंडी में देखते हैं क्या कुछ वहाँ हमारी धान बिकी है नहीं बिकी। और ये पीछे ड्रैगन फ्रूट की आप खेती देख पा रहे हैं, लेके नहीं जा सकते, बैड लक। तो चलिए अनाज मंडी में मिलते हैं, अभी चलते हैं अनाज मंडी की तरफ। ट्रैक्टर हमारा पहुँच भी गया होगा। ड्रैगन फ्रूट यहाँ कोई है नहीं अभी, यहाँ मान लो लेने हो तो किसी को मालिक है उधर है, उधर है वो गाड़ी वाले मालिक है। अच्छा अच्छा चलो भाई मिले तो हैं, देखते हैं देते हैं नहीं देते, मिलते हैं उनसे। ड्रैगन फ्रूट मिल जाते हैं तो। और संदीप भाई थोड़ा आगे गए हुए हैं, हम भी वहाँ जाके देखते हैं। ये थोड़ा भाई ऊपर नीचे वीडियो हो रही है क्योंकि गिम्बल का भी एक्सपीरियंस नहीं था भाई कैसे यूज़ का, थोड़ा इसलिए हो रही है गिम्बल से थोड़ी आ तो रही है दिक्कत। लेकिन जब और भैया भैया कैसे हो, ये भाई यहाँ संभालते हैं खेती करते हैं सभी। ये भाई तो सभी लेबर अभी लंच के लिए जा रही है, दोपहर हो गई है। तो ये गिम्बल का थोड़ा सा मेरे को सेटिंग अभी समझ नहीं आया पूरा प्रॉपर, मैं सीधा का सीधा ले आया जैसे तैसे करके चला रहा हूँ काम। अभी देखते हैं जो इनके जो ओनर हैं उनसे मिल पा रहे हैं, वो आ गए शायद, तोड़ के ला रहे हैं। संदीप भाई मिल गए हैं, देखते हैं। वो बैड लक नहीं कहेंगे अब इसको, थोड़ा सा गुड लक में कन्वर्ट हो गया है ये हमारा बैड लक। तो इधर से मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ गाइस, ये देखिए दोबारा से दूसरे कोने से आए हैं। ये पूरा तैयार है ड्रैगन फ्रूट, पूरा तैयार है। कल तक और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये एक उधर लगा हुआ है, ये देखिए कैसे अच्छा है। पहले जब फर्स्ट टाइम काफ़ी साल पहले मैंने सुना था ड्रैगन फ्रूट, तो ऐसा था कि भाई ये तो चाइना का फ्रूट है, चाइना से आता है, एक्सपोर्ट होता है, लेकिन भाई हमारे इंडिया में भी खेती होती है इसकी। एक ये लगा हुआ कहाँ गए वो भैया? भाई कितने सालों में एक बार वो होती है इसकी खेत, मतलब फ्रूट कितने सालों में कितनी बार उगता है एक साल में? ये अपनी रहेगा 20 साल और हैं, ये अपनी रहेगा। नहीं एक साल में कितनी बार फ्रूट उगता है ये ड्रैगन फ्रूट? एक दिन बाद करके रोज काटते हैं इसको। काटते तो हैं, साल में कितनी बार होती है इसकी? साल पर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अभी रहेगा 20 साल रहेगा आराम। अच्छा 20 साल और क्या, इसको बीज और गिरा रखे हैं, देखते हैं इसको हटाते हैं नया नया डालते हैं बस। अच्छा 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 तो भाई दस ऊपर जाने वाला है, ये 10 साल हो चुका है इसको है भाई। ये भाई यहाँ संभालते हैं और कह रहे हैं 20 साल तक ये नहीं हिलता, 10 साल तो क्रॉस कर चुके हैं ये बेल वगैरह जो इसकी ड्रैगन फ्रूट की। और ये ऐसे जो खरपतवार है जो सूख गए उनको काट देते हैं और ये फिर से दोबारा से हरी भरी उग जाती है। और ये यहाँ पे भी उगा हुआ है ये ड्रैगन फ्रूट। हमें लेना हो तो खरीदना हो तो लेना हो तो घर जाना पड़ेगा, फिर घर जाना पड़ेगा। गुरुद्वारा है ना अपना पिंड में, हाँ गुरुद्वारा का सिर्फ साइड से रास्ता है तो भी और नहीं। चलो घर पे भी मिलेंगे या यहीं आने? घर पर है रखा हुआ। अच्छा घर पे है, दे देगा। चलो यहाँ तो काट के ले गए, अच्छा काट के ले गए हैं तो वही लगभग यहाँ से काट के ले गए हैं, इसीलिए इतने ग्रीन ये देखिए कितने गुच्छे पर ड्रैगन फ्रूट बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये भी मेरे को फर्स्ट टाइम पता लगा। तो गाइस ये मेरे को फर्स्ट टाइम पता लगा भाई, ये जो ड्रैगन फ्रूट है 20 साल तक इसकी मतलब एक ही बेल फ्रूट देती रहती है। 20 साल बहुत हो गया यार, और 10 साल जो अभी दिखाया मैंने 10 साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं। देखते हैं वो अभी ओनर नहीं है
बैड लक ही मानेंगे, ले नहीं सकते, परचेज नहीं कर सकते अपन। तो चलिए चलते हैं अनाज मंडी, देखते हैं आगे क्या होता है। भाई ये जा रहा हमारा ट्रैक्टर जो अनाज मंडी जा रहा है। हम ड्रैगन फ्रूट के फार्म पे भी जाया है, बाग में भी जाया है, और ये भी ये पहुंचने वाले हैं अनाज मंडी। ये अभी यहीं पहुंचा है क्योंकि ट्रैक्टर की स्पीड पता ही आपको, और एक ऊपर से लोड। तो चलिए अनाज मंडी मिलते हैं इनसे। ये सरदार जी आ रहे हैं। ये है भाई फतेहबाद की गेन मार्केट, यानी अनाज मंडी, व्यापार मंडल अनाज मंडी फतेहबाद। ये मेन गेट से एंट्री कर ली है और ये आउटसाइड में बना दिया, काफी बड़ी अनाज मंडी बना दी फतेहबाद की। ये धान निकालने लग रहे हैं। भाई उधर चल रही है सफाई धानों की। चलो देखते हैं अंदर चल के। भाई ये अनाज मंडी में पूरी धान ही धान हो रही है भाई साहब। ये भाई धान ही धान हो रही है अनाज मंडी में, पूरी अनाज मंडी में फुल धान है। कोई लोड कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छी बड़ी अनाज मंडी बना दी फतेहबाद की। और ये इधर ट्रक लोड हो रहा है पूरा धान का। ये जा रहे हैं बोरी की बोरी लगे। संदीप भाई बात कर रहे हैं। तो गाइस हमने वही अनाज मंडी में ट्राली करवा दी है खाली, हमारी ट्राली हो गई है खाली। अब धान गई मंडी में, अब चलते हैं घर की तरफ। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसे लगी? आपने देखा धान की लोडिंग, और देखे ड्रैगन के जो बाग थे फार्म में, ड्रैगन फ्रूट की जो बेल थी वो कैसी लगी? मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, आपने फर्स्ट टाइम देखी है या पहले भी आप देख चुके हो ये कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।